हाज़रीन सलाम अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हुईज हुसैन जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है और ये इंग्लैंड से है, उनका एक आज आह्वान था कि इमाम हुसैन के नाम पर ब्लड डोनेशन करने का। उस पूरी दुनिया में 50,000 यूनिट खून जमा करने का ये टारगेट था। If they're on track to hit 50,000 units globally, well above the current record of 35,000, Corazon Miller went along to the event in Auckland. और उसमें बहुत अच्छी तरीके से उसको पूरी दुनिया में आज लोगों ने खून दिया और इमाम हुसैन की याद में जो लोग जंजीर का मातम करते हैं उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि हम अगर ब्लड ऐसे भी दिया जाएगा तो इस तरीके से भी ब्लड देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हिंदुस्तान में जो है लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं इमाम हुसैन की याद में, मगर आज ये इंटरनेशनल लेवल पे जो एक हुईज हुसैन की एक मुहिम थी, एक बहुत अच्छा काम था। और ये उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया में एक साथ एक दिन हुईज हुसैन के उन्वान से जो है लोगों ने खून दिया है। इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हमारे हिंदुस्तान में भी लोगों ने खून दिया है और इसकी अभी रिपोर्टें आई नहीं है क्लियर के कहां से कितना कितना हुआ है। दिल्ली के एम्स में भी आज लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन दिया, 4 बजे तक का था, जबकि लोग उसके बाद भी वहाँ पर पहुँच रहे थे। गाज़ियाबाद में भी एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने दिया, जिसमें 6-7 हिंदू लोग भी थे और 3-4 अहले सुन्नत के हजरात भी थे। और बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा हुसैनी ब्लड बैंक जो निकल के आया है, 50,000 यूनिट खून जो है पूरी दुनिया को इमाम हुसैन के चाहने वालों ने डोनेट किया है, और इस खून से कितने लोगों की जान बचेगी, इमाम हुसैन का जो मैसेज है ह्यूमैनिटी का वो आज मंजर आम पे आया। और हमें और भी इसके लिए काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग और दिखा सकें कि इमाम हुसैन के जो पैगामात हैं, इमाम हुसैन की जो इंसानियत के लिए खिदमात हैं, आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो इमाम हुसैन ने आज से 1400 साल पहले ये जंग शुरू की थी, आज जो पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है, इमाम हुसैन ने उस वक़्त ही आज से 1400 साल पहले जो उस वक़्त का एक आतंकवादी यजीद था उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके ये मैसेज दिया था कि आतंकवाद कभी भी इंसानियत के साथ नहीं चल सकता। जहां पर हक होगा वहां पर जो है आतंकवाद साथ में नहीं चल सकता। इंसानियत के लिए आतंकवाद बहुत ही ख़तरनाक और वो बदनुमा दाग है इंसानियत के नाम पर, जो इमाम हुसैन ने आज से 1400 साल पहले इस चीज़ को वाजे कर दिया था। उन्हीं के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में आज जिन्होंने 50,000 यूनिट खून हुईज हुसैन के नाम से देने का निर्णय लिया था और उसको अचीव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें आगे भी इंसानियत के लिए ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे कि ये पैगाम जाए कि इमाम हुसैन का जो मिशन था इंसानियत को आगे बढ़ाना, इंसानियत को परवान चढ़ाना, उसमें हम आगे से आगे आ सके। उस आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने जब करबला से, मतलब मदीने से उन्होंने करबला के लिए जब सफ़र अपना शुरू किया था तो उनका एक मैसेज यही था कि मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ और मैं अपने वालिद के दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ना हम हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना हम किसी के दुश्मन हैं। इस चीज़ को लेकर इमाम हुसैन जो थे करबला में अपने 72 साथियों के साथ उस टाइम पे चले थे। उन्होंने हज को उमरा में बदला, जबकि उस टाइम हज का दिन था, हज मतलब 9 उसकी बकरीद की 9 तारीख को उन्होंने वहाँ से सफ़र किया था, जबकि 10 को हज होता है। वो हज को उमरा में तब्दील करके करबला के लिए निकले थे और उनका जो मिशन था वो यही था कि इंसानियत को बचाना। इमाम हुसैन के जो शहादत थी वो शहादत
अगर मक्का में हो जाती, मदीने में हो जाती और हज के टाइम पे हो जाती तो इतनी वो वाजे ना होती जो इमाम हुसैन ने करबला में इस चीज़ को वाजे किया है कि 72 आदमी 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। उसमें 6 महीने का बच्चा भी था, उसमें 18 साल का नौजवान भी था, उसमें 13 साल के लोग भी थे, उसमें 32 साल के भी लोग थे, उसमें 80-85 साल के भी लोग थे। हर रिश्ता करबला में था, भाई का, बहन का, फूफी का, चाची का, चाचा का, हर रिश्ता करबला में था। और ये रिश्तों को जो बरकरार रखे हुए हैं ये इमाम हुसैन की देन है, जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया में जो फूफी का रिश्ता है, चाचा का रिश्ता है, ये सारे रिश्ते इमाम हुसैन की देन है। अगर ये वहाँ पर ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं होता तो ये रिश्ते ख़त्म हो जाते। हमें जो इमाम हुसैन का मिशन है, इमाम हुसैन की जो पैगाम है उसको आम करना है। इंसानियत को बचाना सबसे बड़ा सवाब है और इंसानियत को मारना सबसे बड़ा अजाब है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।